बच्चों हम लोग सीखेंगे देखते ही घनमूल ज्ञात करना। घनमूल का अर्थ क्या है बच्चों? जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई संख्या दो है, इसका घन है 2 × 2 × 2 अर्थात 8, तो 8 का घनमूल होगा 2। तो आपको 8 दिया रहेगा, आपको बताना होगा कि 2। किसी संख्या का घनमूल देखते ही कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हमने, करना क्या है आपको, आप यहाँ पे देखिए जरा, 1 का घनमूल 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27, इस प्रकार से। 1 के घनमूल का इकाई का अंक क्या है? 1। 2 के घनमूल का इकाई का अंक 8 है। 3 के घनमूल का इकाई का अंक 7 है, इकाई मतलब ये पहला वाला वंश। 4 के घनमूल का इकाई का अंक 4, 5 का 5। देखिए यहां पर वो संख्या हम चिन्हित कर ले जिनके इकाई का अंक वही है जो संख्या खुद है, जैसे 1 हो गई, 1 का इकाई का अंक खुद 1 है। इसके बाद आ गए 4 में, 4 का इकाई का अंक खुद 4 है। आपको बस 1 से 9 तक की संख्याओं के घन याद करने होंगे, बस और कुछ नहीं। 5 का घन 125 होता है, इकाई का अंक 5 है। 6 का घन 216, इकाई का अंक 6 है। 7 का इकाई का अंक 3 है, तो इधर देखिए 3 का 7 है, ऐसे अब याद करने में आसानी हो जाएगी। 3 के घन का इकाई का अंक 7, तो 7 के घन का इकाई का अंक 3। और आगे बढ़ते हैं, 8 के अंक का इकाई का अंक 2, तो 2 के घन का इकाई का अंक 8, ऐसे आप याद कर सकते हैं। 9 के घन का इकाई का अंक खुद 9 है। ये बात सबको समझ में आ रही है? अब हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए ये संख्या है आपके सामने, इसका आपको घनमूल निकालना है, बहुत आसान। लास्ट की 3 संख्याओं में से एक लाइन बना लीजिए पेंसिल से। अब इस अंतिम 3 संख्याओं में इकाई का अंक क्या है? अब यहां पर देखिए जरा, 9 किस संख्या के घन का इकाई का अंक है? 9 खुद 9 के घन का इकाई का अंक है, तो इन तीनों के स्थान पर 9 आ जाएगा। अब बची संख्या देखिए क्या है, 59। आप सुनिएगा ध्यान से, ये 59 किन दो संख्याओं के घनों के बीच में है? 59 किसके किसके बीच में पड़ेगा? देखिए 64 और 125 के बीच में। 59 किसके किसके बीच में पड़ेगा? 64 और 125, तो अरे सॉरी सॉरी 27 और 64 के बीच में, बिल्कुल सही, 27 और 64 के बीच में। तो 27 और 64 के बीच में जब पड़ेगा तो छोटी संख्या कौन सी है? 27। ये किसका घन है? 3 का, तो यहां पे 3 लिख देंगे, बस यही उत्तर हो गया। अगला उदाहरण देखिए, 125, अंतिम के 3 अंक कितने हैं? 125। यहां पर 5 है, 5 किसके घन में आता है? खुद 5 के। अब बची 91, 91 किसके किसके घन के बीच में है? यहां पे देखिए 91 64 और 125 के बीच में है, तो 64 के लिए क्या लिखेंगे हम? 4। यहां पे लिख दिया 4। अब ये हम बताएंगे खुद, उसके बाद आपसे पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इसमें देखिए जरा, इस संख्या का अगर आपको घनमूल निकालना है, ये इन तीनों को ले लिया, 192, 192 के आखिरी में क्या लिखा हुआ है? 2। तो 2 के लिए क्या आएगा बच्चों? 512, यहां पे 2 आ रहा है, इसके लिए क्या लिख देंगे? 8। यहां पे तो लिख दिया 8। इसके बाद 941 किसके किसके बीच में आ रहा है? देखिए 941 729 और 1000 के बीच में। 941 किसके बीच में है? 729 और 1000 के बीच में। 729 किसका घन है? 9 का, तो इसका घनमूल हो गया 98। समझ में आ गया सभी को? अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलो भाई आप बताओ इसका घनमूल क्या होगा, सब लोग बाकी लोग शांत रहेंगे। इन 3 संख्याओं के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ बिल्कुल सही, देखिए इन्होंने बताया है इकाई का स्थान 3 है, और 3 किसके घन में आ रहा है? 7 के घन में, तो इन तीनों संख्याओं के लिए क्या लिख दिया? 7। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, तो इसका घनमूल कितना हो गया? 27। ये सीख गई है आप पीछे से। चलो कटियार तुम बताओ, यहां पर इस संख्या का घनमूल क्या होगा? 274,625 का घनमूल। पहले क्या किया, इन तीनों संख्याओं के लिए क्या आ जाएगा? यहां पर 5 आ गया, अब इसके आगे क्या लिखेंगे? अब देखिए ये लिखा हुआ है 274, तो 274 किसके बीच में आ रहा है? 216 और 347 के बीच में, तो इसके लिए क्या लिख देंगे? 6। बिल्कुल सही कटियार ने बताया है, 65 इसका घनमूल होगा। समझ में आ रहा है सभी को? चलो आप बताओ, तुम आप बताइए, नहीं नहीं ये बहन जो आगे बैठी, हाँ बताइए इसका घनमूल क्या होगा। अच्छा, इन तीनों संख्याओं के लिए हम लिख देंगे 7, और इसके 300 के लिए क्या लिखेंगे? अब यहां पर देखिए 763 किसके किसके बीच में आ रहा है? 763, 763 किसके किसके बीच में आ रहा है? देखिए जरा उधर, अच्छा सॉरी सॉरी 300, हम खुद ही गलत बोल रहे हैं। 300 किसके किसके बीच में आ रहा है?
216 और 343 के बीच में, तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिख देंगे, 6। समझ में आ रहा है सभी को, बैठ जाओ। चलो सोलंकी बताओ तुम अब इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 969 के लिए तो 9 लिख दिया, अब आगे 704 बचा है, तो 704 किसके किसके बीच में आ रहा है, 704 आ रहा है 512 और 729 के बीच में, यानी इसके लिए क्या लिखेंगे, 8। अब देखिए मिलाइए सब, जरा सब सही है, मिला लीजिए, समझ में आ गया होगा उम्मीद है आपको, बैठ जाइए सभी लोग।